अपने शहर और आसपास की खबरें पाने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी वाले बटन को दबाएं। कलर चैनल पर दिखाए जा रहे सीरियल रामसिया के लावकुश में वाल्मीकि जी की छवि को धूमिल करने के विरोध में वाल्मीकि समुदाय की पंजाब बंद काल का असर गुरदासपुर में कहीं नहीं दिखा, लेकिन बटाला में वाल्मीकि समुदाय के लोगों ने सीरियल के खिलाफ शांतमयी रोष मार्च निकाला। रोल मैं बहुत संजीव दत्या लावकुश सेना पंजाब प्रधान दलित सुरक्षा सेना पंजाब चेयरमैन अही एक मंग पत्र जरा दिता ही एस एस पी साहब एस डी एम साहब नही चेतावनी दी है कि इन्होंने उपर परचा किया जाए तो चैनल बंद कराया जाए तो उन्होंने ना कोई परचा हो बटाले तो ना ही कोई एफ आई आर हुई जिदा कि आप मान लीए कि अमृतसर जलंधर भी एफ आई आर हो गई उन्होंने परचे हो गए पर सीरियल बंद नहीं होया। तो अज मैं सवेरे फोन आया वा एस एस पी साहब जी का कि बटाले भी परचा करता आप इस करके उन्होंने थैंक यू कहने उन्होंने अगर चैनल हाले भी बंद ना हो रिश्त ना पी उन्हों की हूँ साड़ी ये मंग आ क्योंकि एफ आई आर कटी गई आ चैनल ही नहीं बंद हो रहा तो ना ही उन्होंने गिरफ्तारी हो रही है साड़ी प्रशासन अगर यो मंगया किया कि उन्होंने जोड़ा उन्होंने खिलाफ तुम ये कर रहे हो वो एक सीरियल आ रहा वा राम सीता के लावकुश वो परमात्मा वाल्मीकि महाराज की छवि आ ये छवि बिल्कुल ही गलत दिखाई जा रहा वा कि उन्होंने सृष्टि करता है भगवान वाल्मीकि महाराज उन्होंने हाथ एक डांग जी फड़ाती आ तो उन्होंने सूप रूप बना के साढ़े के मनने योग नहीं है जिन्होंने पूजन योग नहीं है साढ़े। दूजी गल सीता माता जंगलों में आप ही जा रही है जोड़ा कि सारा जग जा है सारा वर्ल्ड जानता वा कि राम श्री रामचंद्र ने सीता माता को जो जंगलों बनवास दिता है लक्ष्मण छड़ उन्हें लक्ष्मण की ड्यूटी लाई भी जा जंगलों छो तो छड़ के कितने आना वा सेफ जगह से भगवान वाल्मीकि महाराज के आश्रम के लागे। दूसरी गल ये हो गई। तीजी गल एक हो रहा कि सीधा जी है सीधा सीधा अपनी सीधा माता जी आने आप ही मतलब कि रामायण का इतिहास दिखाई जा रही है जो कि सारा जग जानता वा कि सीता माता जी भगवान वाल्मीकि महाराज ने जोड़ा वा लावकुश विद्या का ज्ञान लावकुश लावकुश जोड़ा वा रामायण का जोड़ा उच्चारण कराया। जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि। नाम है अजय मल्होत्रा। अजय अगर ये संघर्ष को ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਵਾ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਸਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਆ ਜੀ ਰੋਲ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? मैं जतेंद्र कल्याण कौंसलर अते साबका प्रधान नगर कौंसल बटाला बड़े दुखी हृदय दे नाल समूचा समाज इको मंच दे उत्ते अज इकट्ठा होया। हाथी गेट तो साडे मैडम त्रिवेणी चौहान जी शंभूनाथ गोगी जी खजूरी गेट तो मेरे वीर विवेक सोंदी जी और उमरपुरे तो सतनाम जी अत्री साहब आए ने जतेंद्र अत्री जी दीपक मोड़ जी ग्रेश पट्टी जी और सिटी वाल्मीकि सभा के नव नियुक्त प्रधान अश्विनी कुमार बादल जी और इन्हां दी सारे दलित समाज की समुची टीम जी अज पूरे भारत के और पंजाब नूं बंद कराने के सारी इकट्ठी हुई आ। अज का यह रोस मार्च कलर चैनल के उपर राम सिया के लवकुश सीरियल के माध्यम के द्वारा जड़ा ये भगवान वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई हज़ारां वर्ष पहला राम जी के जन्म तो पहला लिखी गई रामायण नूं तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है जबकि अज तो पहला भी जो असी बचपन व्यवस्था के विच सी उदों रामानंद सागर जी ने रामायण नूं एडे वधिया तरीके दे नाल पेश किया सी कि जिदा कि दलित समाज ने ते प्रशंसा की समूचे हर वर्ग ने जाने कि अपना दुकाना कारोबार ईवन दन कि सरकारी महकमे वाले ने छुट्टी लैके उस टाइम जिन्ने टाइम च रामायण आती सी टीवी के उत्ते
ਅਤੇ ਬਟਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਐਡੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਾਨੰਦ ਸਾਗਰ ਜੀ ਨੇ ਰਮਾਇਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਦਿਖਾਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਮ ਸੀਆ ਕੇ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਲਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਮਾਇਣ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਕਲਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਸਰ ਕਿ ਕਲਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਰਾਮ ਸੀਆ ਕੇ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਜਿੰਨੇ ਸੀਰੀਅਲ ਲਿਖਿਆ ਆ ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550 ਸਾਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਬਟਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨਾਂ ਚਲ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਰੋਸ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੇ ਭੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।